नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस. दिस वीडियो इज पार्ट टू ऑफ हरजानी मार्केट एंड पार्ट वन का डिटेल्स मैं ऊपर आई बटन में एंड नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. वहाँ पे मैंने हरजानी मार्केट एक्सप्लोर किया है एंड वहाँ से जो भी मैंने परचेजिंग किया था उसका डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और आइए चलते हैं फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए. तो मेरा फर्स्ट परचेज है, मैंने मुझे कुछ एक्चुअली टेरेस गार्डन के लिए कुछ पॉट्स लेने थे. काफ़ी सारे मेरे जो प्लांट्स हैं वो रूट बाउंड हो गए थे, तो वही सारी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या परचेजिंग किया है. तो सबसे पहले मैंने परचेज़ किया है ये प्लास्टिक पॉट. ये एक्चुअली काफ़ी लाइट वेटेड रहते हैं, काफ़ी बड़े साइज में मुझे मिला, 30 रुपीज़ का ये कॉस्ट किया. एंड जो भी डिटेल्स प्राइसिंग की रहेगी वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो ये 13 इंचेस का पॉट मुझे मिला, आई मीन मैंने लिया ये. इसके बाद नेक्स्ट इसी में मैंने बड़ा साइज लिया, ये अराउंड 14.5 इंचेस है, काफ़ी बड़ा पॉट है ये भी. देन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये, एंड आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं क्या करने वाली हूँ. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है. सो ये भी एक अर्दन पॉट है एंड आप इसको मल्टीपर्पस यूज़ में ले सकते हैं. मैं क्या करने वाली हूँ वो तो आगे चल के आपको पता लग जाएगा वीडियोज़ में, फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये दिखाऊँ. काफ़ी ब्रॉड है ये, देख सकते हैं आप. ये मैंने एक अर्दन पॉट लिया है, नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि मुझे मेरे चंपा के पॉट को रिपॉट करना था, काफ़ी बड़ा पॉट था, उसके लिए मुझे ये लेना पड़ा. ये 15 इंचेस का पॉट है एंड ये काफ़ी लाइट वेट है इसका, सो ये मैंने लिया. उसके बाद कुछ किचन के लिए कप्स लिए मैंने, ये देखिए एक कट पैटर्न में है, ये एक ब्लू कलर में मैंने लिया एंड सेम डिज़ाइन में ही मैंने एक ही ग्रीन कलर में लिया. देन ये हैंड पेंटेड कप, इजंट इट क्यूट, ये मुझे बहुत क्यूट लगा. देन ये इसी में ही ब्लू कलर में लिया, एक्चुअली ये स्टैकेबल कप्स हैं लाइक दिस, बट ये हैंड पेंटेड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे. ये किचन डेकोर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, इनके जो कलर्स हैं वो काफी वाइब्रेंट हैं. नेक्स्ट मैंने ये कुछ सिरेमिक के नॉब्स लिए हैं. सो सभी के प्राइसिंग जो है मैं स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्यूट सा लैम्प, ये मोज़ेक लैम्प है एंड इसके साथ ये वायर भी है. सो मैं इसका पिक अटैच कर दूंगी लाइटिंग के साथ. यही था मेरा छोटू सा हॉल, आई होप आपको पसंद आएगा. सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.